Hello friends, welcome to an academy, which is India's largest learning platform. यहाँ पर अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। इन लाइव क्लासेस में आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विजेस भी मिलेंगी, जिनके लिए आपको अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रेस कर सकते हैं। कोर्सेज आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, जिनमें पूरा सिलेबस कवर किया जाता है और आपकी एक्सेस अनलिमिटेड रहेगी। मतलब जितने टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतने टाइम तक आप सारे कोर्सेज और सारे एजुकेटर्स की क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स हैं, तो आप अपने पसंदीदा एजुकेटर्स की क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कोर्सेज बने हुए हैं, जैसे पॉलिटी के 32 कोर्सेज हैं, यूपीएससी सीएससी बैचेज, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैचेज हैं जिनमें पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। काफ़ी ऑप्शनल कोर्सेज भी यहाँ पर हैं, सीसेट, एथिक्स, ऐसे इंटरव्यू, तो इस तरह से पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन को यहाँ पर कवर किया जाता है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग प्लान्स दिए गए हैं, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months। आप प्लीज़ इस कोड को यूज़ करना ना भूलें, विष्णु। जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, ये 12 मंथ वाला जो कोर्स है इसकी प्राइस है 44,000, और आप जैसे ही कोड को अप्लाई करेंगे, खाली बुक्स आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें जैसे ही आप विष्णु लिखेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे, कोर्सेज की प्राइस गिर जाएगी। 44,000 की जगह है आपको सिर्फ 39,600 रुपीज़ पे करने रहेंगे। इसी तरह से जो 2 ईयर का कोर्स है, अगर ये कोड आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ ही देने रहेंगे। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन को लेकर कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन कॉन्टेक्ट नंबर पर पहुंच सकते हैं, 8619682606, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड विष्णु टू अवेल 10% डिस्काउंट। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज विष्णु अग्रवाल। मैंने 19 ईयर्स की एज में ही सीए कंप्लीट किया है। मैं 2 times यूपीएससी इंटरव्यू दे चुका हूँ। प्रीलिम्स में मैंने 140 प्लस का स्कोर किया है एंड 2016 यूपीएससी मेंस, इसमें मैंने 837 का स्कोर किया था, और मुझे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ 4 साल की टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो आज का हमारा टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, अनअकैडमी पर 26 जून को ये समिट स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें एमिनेंट पर्सनैलिटीज आएंगी, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड हैं। हिंदू ग्रुप इसका एसोसिएट पार्टनर है, तो आप इस समिट को ज्वाइन कीजिए और इन पर्सनैलिटी से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। काफ़ी पर्सनैलिटी सिर्फ आईएएस की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप यहाँ पर फ्री में रजिस्टर करवा सकते हैं और इस समिट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखते हैं, इनका इंट्रोडक्शन। ये एक पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेइस्ट, प्लेराइट, एजुकेशनिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट, पेंटर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिंगर। तो देखिए, एक आदमी में इतनी सारी प्रतिभाएं थी। सो ए रेयर सेट ऑफ डिस्टिंक्शन एंड अनबिलीवेबल कंजक्शन ऑफ टैलेंट। तो एक व्यक्ति में इतना सारा टैलेंट था, रविंद्रनाथ टैगोर, और यही कारण था कि ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिसको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला 1913 में। तो दिस इज द वेरी बिग अचीवमेंट। आप भी जानते हैं नोबेल प्राइज की क्या वैल्यू है, और पहले नॉन यूरोपियन जिसको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला ऐसा एक भारतीय था, तो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। इसके अलावा आज इंडिया का जो जनगणमन है और बांग्लादेश का जो अमर सोनार बांग्ला है, तो जो 2 national anthem है वो रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए हैं। तो जब भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई भी मैच होता है तो उसमें दोनों जो राष्ट्रगान गाए जाते हैं, नेशनल एंथेम, वो रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम्स हैं। इसके अलावा जो श्रीलंका का नेशनल एंथेम है वो भी इन्हीं के वर्क से इंस्पायर्ड है। तो एक व्यक्ति ने 3 countries के नेशनल एंथेम को प्रभावित किया था। इनके बर्थ एंड एजुकेशन के बारे में हम देखें तो इनका जन्म हुआ था 1861 में, 7 मई को। देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पिता थे, शारदा देवी इनकी मदर थी।
देवेंद्रनाथ टैगोर वाज ए लीडिंग लाइट इन ब्रह्म समाज। तो हमने ये राजा राम मोहन रॉय चैप्टर में भी देखा है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, तो ही वाज द लीडिंग लाइट इन ब्रह्म समाज। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर थे वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, जिसने हिंदुइज्म की एविल्स को अटैक किया और इसे प्यूरिफाई करने की कोशिश की। तो टैगोर एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड फैमिली से आते थे। अगर आपने सुना हो तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के ही बड़े भाई थे। इसके रिगार्डिंग यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू ब्रिटिश सिविल सर्विसेज, एंड ही वॉज सत्येंद्र नाथ टैगोर, एंड ही वॉज एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर। इसके अलावा इनके दूसरे सिबलिंग्स जैसे द्विजेंद्र नाथ, ये एक फिलोसोफर एंड पोएट थे। ज्योतिरिंद्र नाथ, ये एक म्यूजिशियन, कंपोजर एंड प्ले राइटर थे। इनकी बहन स्वर्ण कुमारी एक नोवेलिस्ट थी। तो इस तरह से रविंद्र नाथ टैगोर एक बहुत ही अच्छी फैमिली से आते थे। ग्रोइंग इन द आर्टिस्टिक एटमोस्फियर, तो एक आर्टिस्टिक एटमोस्फियर में इनका जन्म हुआ, तो इस वजह से इनका आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। इनके जो भाई थे उनके साथ ये आर्ट में जनरली इंगेज रहा करते थे। बिकॉज देवेंद्रनाथ, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे वो चाहते थे कि उनका बेटा रविंद्रनाथ टैगोर एक बैरिस्टर बने, एक वकील बने, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर को ब्राइटन ईस्ट ससेक्स जो इंग्लैंड में है वहाँ की एक पब्लिक स्कूल में भर्ती करवाया गया 1878 में। लेकिन दो साल बाद वो वापस से बंगाल आ गए और इन्होंने वहाँ पर बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी लिटरेरी वर्क लिखे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस कौन सी थी, वाल्मीकि प्रतिभा एंड काल मृग्य। इनके लिटरेरी करियर पर हम नजर डालते हैं तो इन्होंने सबसे पहली पोएम लिखी थी अमृत बाजार पत्रिका के लिए, जिसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। ये काफी फेमस न्यूज़पेपर है जिसके रिगार्डिंग यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इस अमृत बाजार पत्रिका के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली पोएम लिखी, लेकिन इसके बाद इनके जो भाई थे उन्होंने एक भारतीय मैगजीन स्टार्ट की, मंथली मैगजीन, तो उसमें इन्होंने अपनी पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने उसमें नाम रखा भानु सिंह ठाकुर। अपना रियल नेम नहीं रखा, भानु सिंह ठाकुर यहाँ पर उन्होंने नाम रखा। 1882 में इन्होंने रुद्र चक्र पोएम को पब्लिश किया और एक कलेक्शन ऑफ पोएम जिसे संध्या संगीत कहते हैं उसे भी इन्होंने पब्लिश किया 1882 में। 1891 में इन्होंने बंगाली मंथली मैगजीन साधना निकाली। उन्होंने एक फेमस नोवेल चोकरबाली और गोरा ये 1903 और 1906 में लिखी थी। जनगणमन को नेशनल एंथम क्यों स्वीकार किया गया, क्योंकि इसे 26th एनुअल सेशन जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने हमारा फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया था उसके 26th सेशन में इसे गाया गया था जो कलकत्ता में हुआ था। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता में आई तो वहां पर जनगणमन को गाया गया था। इनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए जिसमें 103 पोएम्स हैं। और इसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो काफी लोगों को यह पसंद आई और इस गीतांजलि के लिए इनको फिर नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ टैगोर महसूस करते हैं कि जितने भी एक्सपीरियंस ह्यूमन के हैं उनमें कहीं ना कहीं गॉड होता है, तो इसी एक्सपीरियंस को इन्होंने पोएम में उतारा। तो प्रेजेंस ऑफ गॉड जो इन्होंने फील किया उसे ही इन्होंने पोएम्स में उतारा था। रविंद्रनाथ एंड बंगाल पार्टीशन, तो रविंद्रनाथ टैगोर का हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो उसमें सबसे पहला इनका कंट्रीब्यूशन रहा बंगाल पार्टीशन में। बंगाल पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने डिक्लेयर किया था July 22, 1904 को और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था राइजिंग नेशनलिज्म इन बंगाल, ये जो बंगाल में नेशनलिज्म राइज हो रहा था उसकी कमर को तोड़ना। तो यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि बंगाल को डिवाइड क्यों किया गया, और बंगाल पार्टीशन टुक प्लेस ऑन द October 16, 1905। तो रियल डेट क्या थी, October 16, 1905, जिसमें नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा था
बांग्लार माटी, बांग्लार जोल। देखिए मैं बंगाल से नहीं आता, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रोंग हो। बांग्लार माटी एंड बांग्लार जोल, इसका मतलब है सोयल ऑफ बंगाल एंड वाटर ऑफ बंगाल। इनकी कोशिश थी कि जो बंगाली पॉपुलेशन है, स्पेशली हिंदू एंड मुस्लिम, इनको यूनाइटेड रखा जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक राखी उत्सव भी स्टार्ट किया, जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधती हैं। गोइंग अगेंस्ट कन्वेंशनल वेस्टर्न एजुकेशन, शांति निकेतन, तो इन्होंने एजुकेशन के लिए एक नया ही कॉन्सेप्ट दिया, और ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था। इनका कहना था कि जो क्लासरूम एजुकेशन है, क्लासरूम टीचिंग है, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होती है, इनके बीच में एक मेंटल डिस्टेंस होती है। जबकि इन्होंने जो फॉर्मूला दिया शांति निकेतन का, उसमें टीचर लाइक मेंटर फॉर दी स्टूडेंट्स। तो जो पुराने समय में गुरु शिष्य परंपरा थी, वही इन्होंने शांति निकेतन में भी अपनाई। उनका मानना था इंटरेक्शन विद दी नेचर इज असेंशियल फॉर दी लर्निंग। तो अगर किसी को लर्निंग प्रोवाइड करवानी है, तो पूरे एनवायरनमेंट को ही वैसा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, और इसको इन्होंने एजुकेशन मॉडल इनका जो था, उसमें टीचर्स विल बी लाइक दी मेंटर्स। तो वो स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, बल्कि उनको इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली भी गाइड करेंगे। तो आप देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ पढ़ाना ही सफिशियंट नहीं है, एक प्रॉपर मेंटरशिप, एक गाइडेंस मिलेगी। उनको जो भी नोबेल प्राइज में मनी मिली थी, उन्होंने वो सारी वेस्ट बंगाल के बोलपुर में इन्वेस्ट कर दी, और वहां पर जो प्लेस था उसका नाम उन्होंने रखा शांति निकेतन, ए अबोड ऑफ पीस, एक पीस का घर, शांति का घर। और यही मॉडल उनका एजुकेशन का आज अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग कुरिकुला में इंक्लूड किया जाता है। काफी कंट्रीज इस मॉडल को एज ए रिफॉर्म मॉडल सजेस्ट करती है कि सिर्फ टीचर और स्टूडेंट को आप क्लासरूम तक लिमिटेड मत रखिए। द डार्क नाइटहुड, आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। तो ब्रिटिशर्स रविंद्रनाथ टैगोर के जीनियस से, उनकी प्रतिभा से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उनके काफी वर्क फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या उस समय प्रकाशित हुए थे, ट्रांसलेटेड हुए थे इंग्लिश में। तो इस वजह से जैसे ही वार एंड हुआ, ब्रिटिशर्स ने उनको नाइटहुड ऑफर किया, उनके नाम के आगे सर लगाया। लेकिन जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने टाइटल को रिनाउंस कर दिया। उन्होंने लॉर्ड चेलम्सफोर्ड को एक लेटर भी लिखा, जिसमें इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना की थी। लिटरेरी वर्क्स एज दी वीपन, अगर कुछ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर को गवर्नमेंट का अटैक करने का साधन बना रहे थे, तो यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लिटरेरी वर्क के थ्रू ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को टारगेट किया था। तो उन्होंने ही डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग दैट वुड एक्सपोज ब्रिटेन्स ट्रू इंटेंशन इन इंडिया। तो अंग्रेजों की जो ट्रू इंटेंशन है, उनको एक्सपोज करने के लिए इन्होंने काफी डॉक्यूमेंट्स, काफी लिटरेचर्स लिखे। ही रोट मोस्ट ऑफ हिज पीसेज इन मदर टंग, बंगोली। तो उन्होंने ज्यादातर जो चीजें लिखी वो बंगोली में लिखी, जिनको बाद में और दूसरी लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट किया गया। उन्होंने अपने लिटरेचर को सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इनके लिए भी यूज किया, और ब्रिटेन पर इंटरनेशनल प्रेशर बने इसके लिए भी यूज किया। उनके जो पब्लिकेशंस थे, वो अलग अलग कंट्रीज में जाते थे, यूएसए, जापान, जर्मनी। तो इस तरह से एक इंटरनेशनल प्रेशर भी ब्रिटेन पे बनाया कि आप इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज वहां पर सही नहीं है। उनका एक लेक्चर था स्वदेशी समाज, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडिया इज पॉलिटिकल सिम्टम ऑफ और सोशल डिजीज ऑफ सेल्फ सब्जुगेशन, तो इसके बारे में मेंशन किया। उनका कहना था ब्रिटिशर्स ने हमें क्यों डोमिनेट किया है, क्योंकि हम खुद की रेस्पेक्ट नहीं करते। तो हमें पहले इस सोशल डिजीज को दूर करना होगा, हमें खुद को ऊपर अपनी आंखों में उठाना होगा, तभी दूसरे लोग हमारी रेस्पेक्ट करेंगे। उन्होंने इंडियन से अर्ज किया, ही अर्ज इंडियंस टू बिलीव दैट देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ ब्लाइंड रिवोल्यूशन बट ऑफ स्टेडी एंड पर्पजफुल एजुकेशन।
तो आप ब्लाइंडली किसी रिवॉल्यूशन को फॉलो मत कीजिए, पहले इस रिवॉल्यूशन के बारे में जानिए, फिर आप पर्पसफुल तरीके से इसको फॉलो कीजिए। यही नतीजा था कि काफी पढ़े लिखे लोग इस फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े। इसके अलावा अपने जो लिटरेरी वर्क हैं इनमें रविंद्रनाथ टैगोर ने पेटी नेशनलिज्म को भी काफी क्रिटिसाइज किया। उनका मानना था कि स्ट्रिक्ट नेशनलिज्म होना दैट इज नॉट गुड, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन, देयर इज नीड फॉर स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। तो उन्होंने कहा, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड कॉमर्स हुज अदर नेम इज द नेशन, तो जब नेशन स्टेट्स ज्यादा हावी हो जाते हैं तो वो ह्यूमैनिटी के लिए काफी खतरनाक है। बेसिकली यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। उस समय वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का कॉन्टेक्स्ट चल रहा था। आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा हो तो यूरोप में उस समय नेशन और नेशनलिज्म काफी ज्यादा हावी थे। हर कंट्री अपनी कंट्री के फायदे के लिए दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर टैगोर के आइडियाज काफी ज्यादा अच्छे थे, काफी ज्यादा रिलेवेंट थे। तो चेंजिंग हाउ इंडिया सो द वर्ल्ड, तो यहाँ पर इस वजह से चूंकि टैगोर ने इंटरनेशनलिज्म की आइडियोलॉजी दी, तो उनकी जो यूनिवर्सल आइडियोलॉजी थी उसकी वजह से उन्हें विश्व कवि या पोएट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। उन्होंने पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म इन दोनों में काफी डिफ्रेंशिएट किया था। हालांकि वो नेशनलिज्म के खिलाफ थे, लेकिन उनका जो अपनी कंट्री के लिए प्यार था वो कभी भी कम नहीं हुआ। नेशनलिज्म को उन्होंने इसलिए कोसा क्योंकि इट वॉज द रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड इट इज द रीजन ऑफ मिजरी ऑफ ह्यूमैनिटी। जब लोग अपने कंट्री से प्यार करने लगते हैं और वो प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि लोग दूसरी कंट्री से नफरत करने लगे, तो इस चीज को टैगोर ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। इनफैक्ट इन्होंने काफी इंडियन लीडर्स को भी क्रिटिसाइज किया था कि आप स्ट्रिक्ट नेशनलिज्म को नहीं अपना सकते। इसलिए इनका कई बार रविंद्रनाथ टैगोर का क्रिटिसिज्म भी हुआ है। टोक्यो यूनिवर्सिटी में जब ये लेक्चर देने गए तो इन्होंने वहां पर नेशनलिज्म की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, जिसकी वजह से इनकी वहां पर आलोचना भी बहुत ज्यादा हुई। लेकिन इनके आइडियाज बहुत ज्यादा रिलेवेंट थे। आज भी हम देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति पेट्रियोटिक हो सकता है, अपने देश से प्यार कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो दूसरी कंट्री से नफरत करे। हम इंडियन की इंडियंस में एक हमारी इंडियन ट्रेडिशन में सर्वदेव कुटुंबकम इसको अपनाया गया है, जहां पर हम पूरी वर्ल्ड को एक फैमिली मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियाज काफी ज्यादा रिलेवेंट थे और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो उनके आइडियाज न सिर्फ इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट थे बल्कि यूरोपियन और अदर कंट्रीज के लिए भी इम्पोर्टेंट थे, जिन्होंने आगे जाकर वर्ल्ड वॉर्स लड़े। द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज क्लोजली बेस्ड ऑन द टैगोर्स आइडियोलॉजी ऑफ पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो आजादी के बाद भी हमने इंटरनेशनल पीस, ब्रदरहुड, इन सबको इंक्लूड किया है। स्पेशली हमारे डीपीएसपीज में एक पर्टिकुलर डीपीएसपी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। डेथ एंड लिगेसी, तो इनकी डेथ हुई थी 1941 में 7 अगस्त को। इन हिज ओल्ड एज, जब वो बूढ़े हो गए थे, इसके बाद भी वो काफी डांसेस और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस देते थे ताकि अपनी विश्व भारती के लिए फंड जुटा सके। लेकिन जब गांधी जी ने उनकी यह हालत देखी तो उन्होंने एक व्यक्ति से रिक्वेस्ट की जो टैगोर से काफी प्रभावित था। तो उसने 60,000 रुपीज, उस समय ये बहुत होते थे, विश्व भारती को डोनेट किए, जिससे यहाँ पर विश्व भारती को थोड़ी राहत मिली थी। ही लेफ्ट ए रिमार्केबल लिगेसी, तो उनकी लिगेसी काफी ज्यादा रिमार्केबल थी। इंडिया, बांग्लादेश आज दो कंट्रीज के नेशनल एंथेम उन्हीं की दी हुई पोएम है। इसके अलावा चाइना का भी नेशनल एंथेम उनसे काफी ज्यादा प्रभावित था। उन्होंने बंगाली लिटरेचर को रीशेप करके लिख दिया। उन्होंने अपनी ज्यादातर राइटिंग्स बंगाली लैंग्वेज में लिखी थी, जिनको बाद में हिंदी और इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। उन्हें बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। उनके जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे, जैसे शांति निकेतन और इंटरनेशनलिज्म के आइडियाज, आज प्रेजेंट वर्ल्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब चाइना जैसी कंट्री की तरफ देखें तो वो इतना ज्यादा नेशनलिज्म फॉलो करते हैं कि कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है, तो उन्हें इंटरनेशनलिज्म अपनाने की जरूरत है। तो इसी के साथ हमारा यह टैगोर पे
गुरुदेव टैगोर पे लेक्चर समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए और वहां पर आप इस कोड को यूज करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8619682606। सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।